1760 में आज ही के दिन सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगीर के युद्ध में निजाम को बुरी तरह हराया। 1815 में आज ही के दिन विश्व में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विट्जरलैंड में खोला गया। 1916 में आज ही के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1925 में आज ही के दिन भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला के बीच शुरू हुई। 1934 में आज ही के दिन पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। इसे शुरू करने वाली कंपनी को अब लुफ्थांसा के नाम से जाना जाता है। 1942 में आज ही के दिन जावा पर पहला जापानी हवाई हमला हुआ। 1945 में आज ही के दिन रूस द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर सहमत हुआ। 1954 में आज ही के दिन इलाहाबाद कुंभ मेले में हुए हादसे में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 1963 में आज ही के दिन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का जन्म हुआ था। 1969 में आज ही के दिन तमिल नेता सीएन अन्नादुरई का निधन हुआ। 1970 में आज ही के दिन भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की तलचर में आधारशिला रखी गई। 1972 में आज ही के दिन जापान के सप्पारो में एशिया में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। 1988 में आज ही के दिन पहली परमाणु पनडुब्बी भारतीय सेना में शामिल हुई। साल 2000 में आज ही के दिन प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद कुरैशी अल्लाह रखा खान का निधन हुआ। 2008 में आज ही के दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का चोरी हुआ नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश में होने के संकेत मिले। 2016 में आज ही के दिन प्रसिद्ध राजनेता एवं मध्य प्रदेश के 23वें राज्यपाल बलराम जाखड़ का निधन हुआ।